गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू TKS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर मैथ टीचर मिस आमना, सब्जेक्ट मैथ। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर आई वांट टू शेयर हदीस विथ यू। बेशक नमाज ही बेहतर है, बेहतर साथी है दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। नाउ ओपन योर बुक्स। स्टूडेंट लास्ट टाइम जो है ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपने कैमरा जो है वो सब ऑन कर ले। जिनके कैमरा ऑन नहीं है वो काइंडली जल्दी से अपने कैमरा ऑन करें। सुहेल दिनारा अपना कैमरा ऑन करें। हफ्सा हारिस काइंडली सब अपना कैमरा जो है वो ऑन कर लें। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A के सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको होमवर्क में जो है दे दिए। ठीक है, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो काइंडली वो होमवर्क कंप्लीट कर ले, क्योंकि आज हम लोग एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एक्सरसाइज 1B भी हम लोगों ने जो है वो उस सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, उसमें से अब रिमेनिंग आगे क्या क्वेश्चन करने हैं, आप हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव करने हैं। ओके, ओके, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम लोगों ने जो है तमाम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A और 1B के जो है वो कर लिए हैं। आज मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव समझाती हूँ। ठीक है, एक मतलब अगेन मैं आपको काम करने का तरीका समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है वो 2 पेजेस जो है वो लीव करने हैं। 2 पेजेस लीव करने के बाद जो है आपने 3rd पेज पर है हैंड राइटिंग पैटर्न करनी है। हैंड राइटिंग पैटर्न करने के बाद 4th पेज पर आपने चैप्टर की हेडिंग जो है वो दे देनी है। चैप्टर की हेडिंग के नीचे आपने लेसन समरी लिखनी है। ठीक है, लेसन समरी लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 1A के सारे क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों ने एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने आगे एक्सरसाइज हम लोगों ने नहीं करनी, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव करने हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टूडेंट्स जिनके कैमरा ऑफ है काइंडली वो अपना कैमरा ऑन कर लें। हारिस सुहेल अपना कैमरा ऑन करें। दिनारा हाशिर मोहसिन हफ्सा अपना कैमरा ऑन करें। ओके स्टूडेंट, तो काइंडली अपना कैमरा ऑन करें। नाउ आज जो हम लोग करने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव कराऊंगी। सबसे पहले क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास फर्स्ट वन क्या है, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ की डिफिनेशन आ रही है, सेट की डिफिनेशन आ रही है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज एंड डैश सेट। ठीक है, यहाँ पे आपको बात कही गई है कि हमारे पास एक सेट है इंटीजर का, तो आपने क्या बताना है कि वो इनफाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं दी हुई उस सेट की, उस सेट की जो है कोई लिमिट नहीं गिवन। ठीक है, स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन करें सब। धनेरा हफ्सा हारिस हसन हमना हारून मोहसिन सुहेल अपना कैमरा ऑन करें। ओके, ओके स्टूडेंट, तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग आज काम करने वाले ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या सेट की डिफिनेशन गिवन है। ठीक है, सेट की डिफिनेशन आपको मेंशन की गई है। फिर हमारे पास सेकंड क्या है, अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज एंड डैश सेट।
ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इंटीजर सेट की बात की गई है, ठीक है, इंटीजर सेट की बात की गई, लेकिन वहाँ पे कोई लिमिट या किसी नंबर की जो है स्पेसिफिक बात नहीं की गई हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसका आंसर क्या होगा कि यानी हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट मतलब कंटिन्यूस, यहाँ पे जो है यानी एंड इसका कोई नहीं है। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट नंबर 3 में क्या है, द सैम्पल एम्प्टी रिप्रेजेंट एंड डैश सेट, ठीक है। यहाँ पे जो है इस एम्प्टी सेट को, एम्प्टी सेट को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, आपने की बिल्कुल नीट कॉपी में करना है, ठीक है, ठीक है, आपने नीट कॉपी में करना है, ठीक है। सारा ये एक्सरसाइज 1A 1B, उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव भी नीट कॉपी में करने हैं। मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, आप में जो है फिर अब ये होमवर्क भी करना है, ठीक है। आपके पास जो है 3 दिन आ रहे हैं, ठीक है, आपकी 3 डेज जो है आपकी क्लास नहीं है, तो जो है काइंडली उसको जो है आप होमवर्क कंप्लीट कर लें, ठीक है। फिर मंडे को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे पास नंबर 3rd में क्या आता है, यहाँ पे सैम्पल मेंशन है, इस सैम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी। हसन जाहिद, आपकी क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आ रही, अपना माइक अनम्यूट करें। हसन जाहिद, अपना माइक अनम्यूट करें। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स डैश सेट, ठीक है। तो अच्छा, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। आपने जो है ये काम नीट कॉपी में करना है, आपको जितना काम मैं एक्सरसाइज का करवा रही हूँ वो आपने नीट कॉपी में करना है, ओके, ठीक है। अब जो है हसन जाहिद, अपना माइक अनम्यूट करें। यस मैम। जी, आपने कोई क्वेश्चन पूछना था, आपने जो है yes, जी मैं, मैंने ये वो belongs to word जो आपने दिया था वो मैंने belongs to तक किया था, तो कितने पेजेस छोड़ू? आप जो है आप पेजेस ना छोड़ें, मैं आपको जो है सारा जो है आपको जो है स्टार से मैंने सेंड किया हुआ है, उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है आप वही कर लें, ठीक है। आप पेजेस ना छोड़ें, क्योंकि फुल चैप्टर आज हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम चैप्टर जो है मंडे तक जो है आप सब स्टूडेंट्स का जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, और जिनका जो होमवर्क डन कर ले वो मुझे व्हाट्सएप में जो है वो पिक्चर सेंड कर देना, ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पर। और उसके अलावा जो है, ठीक है, फिर हम लोग मंडे से इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैम, ये ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव क्या हसन, आप ऑब्जेक्टिव की पिक्चर आप सेंड करें। जी बिल्कुल, मैं आपको ऑब्जेक्टिव की पिक्चर भी सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये आपको नीट कॉपी का काम करवा रही हूँ। नंबर 4th है, डैश सेट कंटेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास कहते हैं वो कौन सा सेट है जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट मतलब कंटिन्यूस, जिसकी कोई एंडिंग नहीं होती, ठीक है। सेट ए, बेटा मेरा नंबर जो है वो ग्रुप में मौजूद है, ठीक है, आप ग्रुप से जो है लेकर मुझे सेंड कर दें। सेट ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 इज़ अ डैश ऑफ बी ए बी सी डी, ठीक है, यानी एक सेट है हमारे पास, उसके कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, वो तमाम जो है वो बी में ही मौजूद है। इट मीन्स ए सेट क्या है, सबसेट है बी सेट का,
by proper subset is denoted by a symbol. Proper subset को हम लोग किस सैम्पल से डिनोट करते हैं, ये सी के टाइप, थोड़ा सी की तरह आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ट्रू फॉल्स आ रहे हैं। ट्रू फॉल्स में आपने ये भी क्वेश्चन जो है वो नीट कॉपी में करना है। इफ़ ए इज ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी देन ए सबसेट बी, यानी अब देखिए कहते हैं ए में ए बी सी एलिमेंट है, बी में जो है ए बी सी डी एलिमेंट, ए जो है वो सब सेट है बी का, तो यस ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है इन टेबुलर नोटेशन द सेट इज एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ रूल। क्या टेबुलर फॉर्म में जो है हम लोग सेट को रूल्स में जो है वो डिस्प्ले करते हैं? नो, सेट बिल्डर नोटेशन में हम लोग जो है वो रूल्स की फॉर्म में जो है वो सेट लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म में जो है सिंपल, जैसे ये है इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एक्स सच एक्स अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज अ बिल्डर सेट। तो ये देखिए यहाँ पे जो जो मेथड नोटेशन आपको केवन है, क्या ये सेट बिल्डर नोटेशन है? तो जी बिल्कुल, ये जो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो ये हमारे पास ट्रू है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एक एन है, एन मतलब नेचुरल नंबर है, यहाँ वन टू लेकर अप टू सो ऑन इज इन फाइनाइट सेट, कहते हैं ये फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब इसकी कोई एंडिंग है, तो इसकी तो कोई एंडिंग नहीं है, तो इट मीन्स ये फॉल्स है। फिर हमारे पास वन टू थ्री आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब वन टू थ्री कहते हैं इस सेट के एलिमेंट है, तो रॉन्ग, इस सेट के एलिमेंट तो ए और बी है, तो इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। द सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज अ फाइनाइट सेट, कहते हैं आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो फाइनाइट है सेट, तो बिल्कुल आपका फाइनाइट है। काइंडली स्टूडेंट जिनके कैमरे ऑफ है वो अपना कैमरा जो है वो ऑन कर लें। ओके, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोगों ने क्या करना है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन करने हैं। फर्स्ट वन में मेरे पास क्या है, हाउ मैनी सबसेट डज द पावर सेट ऑफ एलिमेंट सेट हैव, ठीक है, कहते हैं हमारे पास जो है अगर सबसेट कितने बनेंगे एक एम्प्टी सेट के, अगर कोई किसी सेट में जो है एक एम्प्टी सेट है, तो कहते हैं उसका जो है वो सबसेट कितने बनेंगे, तो ओनली वन सबसेट जो है वो उसका बनेगा, ऐसा आंसर इसका वन आता है। फिर हमारे पास सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट सेट, कहते हैं हमारे पास इन सब में से कौन सा सेट जो है वो फाइनाइट है, ठीक है, तो मेरे पास जो है यहाँ पे जो ए सेट है वो फाइनाइट है, क्योंकि इसकी जो है लास्ट एलिमेंट मेरे पास गिवन है, एंडिंग पॉइंट मुझे पता है कि 10 तक है। सेकंड ऑप्शन जो मुझे गिवन है कि सेट ऑफ स्टार ऑन द स्काई, क्या हम लोग आसमान में सितारे गिन सकते हैं? नो, वो इनफाइनाइट है, इस वजह से ये भी रॉन्ग है और बी सेट भी रॉन्ग है, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर थ्री है कि ए में एक ए सेट है जिसमें ए ई आई ओ यू जो है वो वॉवल्स गिवन है, ठीक है, एक सेट में आपको कहा गया हुआ कि सी इसका एक सेट का मेंबर है, तो नो, सी जो है इसमें मौजूद नहीं है, यू बिलोंग टू एक का, यू का सेट इसमें मौजूद है, तो यस, यू का सेट जो है वो बिलोंग करता है एक का सेट, इट मीन्स इसका आंसर जो है वो बी वाला करेक्ट आ रहा है। फिर हमारे पास जो है द सेट ऑफ होल नंबर इज़ फाइनाइट, कहते हैं हमारे पास जो होल नंबर का सेट होता है वो फाइनाइट होता है, तो ये ठीक है, इसका हमारे पास आंसर जो है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि हमारे पास होल नंबर जो है वो इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट गिवन नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है ए का सेट, हमारे पास गिवन है ए बी सी वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारे पास फाइव एलिमेंट इसमें गिवन है, इस ये हमारे पास क्या है, कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है, टेबुलर है, सेट बिल्डर नोटेशन है, तो ये हमारे पास टेबुलर है, क्योंकि टेबुलर नोटेशन को हम लोग जो है कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, हर एक एलिमेंट के बाद जो है हम लोग कॉमा जो है वो डालते हैं। फिर हमारे पास लास्ट है द एलिमेंट ऑफ अ सेट मस्ट बी सिमिलर वेल डिफाइंड या इक्वल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पास द एलिमेंट ऑफ अ सेट मस्ट बी वेल डिफाइंड होने चाहिए, क्योंकि एलिमेंट हमारे पास डिफिनेशन ही यही थी कि हमारे पास सेट जो है वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए।
मेरे पास क्या आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे सेट की डिफिनेशन, क्योंकि हमारे कहते हैं सेट के लिए जो है वेल डिफाइंड एलिमेंट की जरूरत है, बिल्कुल राइट, क्योंकि सेट की डिफिनेशन ही मेरे पास यही थी कि मेरे पास जो है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ रहा था। अब मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम में हम लोगों ने क्या कहते हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट किस में, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था कि यूनिक होना चाहिए, यानी हमारे यूनिक विद द सेट, यानी हमारे पास जो है एक एलिमेंट सेट में एक मर्तबा ही आना चाहिए। फिर हमारे पास ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है बिलोंग टू, ओके, ई मीन्स बिलोंग टू। फिर हमारे पास डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स कि टेबुलर फॉर्म में हमारे पास ये सेट गिवन है, टेबुलर नोटेशन है, ठीक है ये। फिर वेन डायग्राम हमारे पास क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेटिव। फिर हमारे पास जो है नंबर ए जो है, यहाँ पे एक सेट है 1 2 और बी जो है वो 2 3, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब कि इसमें भी 2 एलिमेंट है, उसमें भी 2 एलिमेंट, इस वजह से ये इक्विवेलेंट सेट है। ओके स्टूडेंट, मैं आपको अगेन थोड़ा काम के हवाले से बता देती हूँ, ठीक है, अगेन मैं आपको काम के हवाले से बताती हूँ। मैच द कॉलम मैंने आपको समझा दिए, ठीक है, अगर लेक्चर में सिग्नल की वजह से कोई मसला हो तो आप लोग काइंडली यूट्यूब पे जो है इस वीडियो को अगेन सुन सकते हैं, ठीक है, मैं आपको जो है वो इन तमाम होमवर्क की पिक्चर जो है वो सेंड कर दूँगी, ठीक है, और आपने जो है मंडे तक ये काम जो है वो कम्प्लीट करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है, मैं आपको अगेन होमवर्क समझाती हूँ, आपने ये तमाम होमवर्क जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम होमवर्क करना है, ठीक है। सबसे पहले 2 पेजेस आपने छोड़ने, 2 पेजेस छोड़ने के बाद आपने लेसन समरी लिखनी है, लेसन समरी लिखने के बाद जो है आपने, ठीक है, ये लेसन समरी है, फिर आपने जो है हैंड राइटिंग पैटर्न के बाद लेसन समरी, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1 एक ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, ठीक है, ये तमाम, फिर क्वेश्चन नंबर 4 ये सारा भी करना है, क्वेश्चन नंबर 5, फिर यहाँ पे एक्सरसाइज 1 भी स्टार्ट हो, क्वेश्चन नंबर 1 आपने उसमें करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है सेम इसी तरह जो है क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, आपने आगे एक्सरसाइजेज नहीं करनी, हमारा चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव के एंड तक जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक आपने जो है कंप्लीट जो है सारा करना है। इंशाल्लाह जो है हम लोग मंडे से जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, आपने जो है नीट एंड क्लीन जो है वो काम करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। आप थोड़े दिन में जो है अपलोड हो जाएगी, ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, तब तक आप होमवर्क कर लें, ताकि आपके पास होमवर्क मौजूद हो तो आप उस जो है अच्छी तरीके से आपको समझ जाए, ठीक है। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली अभी पूछ लें। ओके स्टूडेंट, अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके पास अभी टाइम है, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। यूट्यूब पेज का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।